रावण का इतिहास भाग एक। रावण के पूर्व जन्म की कहानी। रावण के बारे में कौन नहीं जानता। लंका नरेश रावण, जिसने तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था, वही रावण जिसने सीता का हरण किया और उसी कारण भगवान राम के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुआ। क्या आप जानते हैं कि ये सब योजनाबद्ध था। रावण की मृत्यु श्री हरि विष्णु के अवतार भगवान राम के हाथों ही होनी थी। इसी कारण से ही रावण ने पृथ्वी पर जन्म लिया था। आइए जानते हैं रावण के जन्म के कारण और उसके पूर्व जन्मों के बारे में। रावण का इतिहास में जय विजय को श्राप। एक बार सनकादि मुनि सभी लोकों की यात्रा पर निकले। सनकादि मुनि यूं तो ब्रह्मा की सृष्टि में उम्र में सबसे बड़े थे, परंतु फिर भी देखने में 5 वर्ष के जान पड़ते थे। यही कारण था कि जब वे वैकुंठ लोक के दरवाजे पर श्री हरि विष्णु के दर्शन करने पहुंचे, तो दरवाजे तक जाने के लिए वह 6 सीढ़ियां चढ़े। जैसे ही वह 7वीं सीढ़ी चढ़ने लगे, दरवाजे पर खड़े 2 द्वारपालों जय विजय ने उन्हें वहीं रोक लिया और अंदर नहीं जाने दिया। सनकादि मुनियों को इस पर क्रोध आ गया। उन्होंने उसी समय उन दोनों को श्राप दिया कि तुमने एक मुनि का अपमान किया है। तुम्हें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि वैकुंठ लोक में जब भगवान विष्णु सबको एक समान मानते हैं, तो तुम्हारे अंदर ये विषमता की भावना कहाँ से घर कर गई। इसके बावजूद तुमने मुझे रोका, इसलिए तुम मृत्युलोक में उस योनि में जन्म लोगे जहाँ काम, क्रोध और लोभ का वास होगा। जब विष्णु जी ने बाहर आवाज सुनी तो वे दौड़े चले आए। ब्राह्मणों से तो विष्णु जी पहले ही डरते थे, द्वारपालों को भी ये बात पता थी, इसलिए उन्होंने ने सनकादि मुनियों से क्षमा मांगने लगे। उन्होंने कहा, भगवन, हम अवश्य अपराधी हैं और हमें अपने अपराध का उचित दंड मिला है। हम इस दंड के लिए तैयार हैं, परंतु हम पर कुछ दया कीजिए और कोई ऐसा उपाय कीजिए कि ऐसी पापी योनि में जन्म लेकर भी हम भगवान का नाम लेते रहें। तभी वहां पहुंचे भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने द्वारपालों की तरफ से सनकादि मुनियों से क्षमा मांगी और उनका क्रोध शांत किया। उसके बाद उन्हें बताया कि ये जो आपने श्राप दिया है, ये मेरी ही प्रेरणा से हुआ है। अब ये दैत्य योनि में जन्म लेंगे। यह सुनकर सनकादि मुनि भगवान विष्णु को प्रणाम कर आगे की यात्रा पर चले गए। इसके बाद उन्होंने अपने द्वारपालों को बताया कि एक बार वैकुंठ में प्रवेश करती हुई लक्ष्मी जी को भी तुमने रोका था और उन्होंने भी तुम्हें श्राप दिया था। अब तुम चिंता मत करो, तुम दैत्य योनि में जन्म लोगे और मैं भी मृत्युलोक में जन्म लेकर तुम्हारा संहार करूंगा। इस प्रकार तुम शीघ्र ही यहाँ वापस आओगे। हिरण्याक्ष और हिरण्यक्षिपु की कथा। श्राप के कारण जय विजय ने महर्षि कश्यप की पत्नी दिति के गर्भ से जन्म लिया। उनके नाम हिरण्याक्ष और हिरण्यक्षिपु रखे गए। दोनों बहुत ही बलवान थे, उन्होंने जल्दी ही उत्पात मचाना आरंभ कर दिया। ऐसा करते हुए उन्होंने तीनों लोकों को वश में कर लिया और पृथ्वी को ले जाकर गहरे पानी में डाल दिया। अब जबकि उनके पास सब कुछ था और उनका कोई भी दुश्मन नहीं था, तब हिरण्याक्ष लड़ने के लिए एक प्रतिद्वंदी की तलाश करने लगा। उसी समय भगवान विष्णु वराह अवतार लेकर धरती को हिरण्याक्ष की कैद से छुड़ाने पहुंचे। पहले उन्होंने धरती को समुद्र से बाहर निकालकर उनके स्थान पर पहुंचाया। उसके बाद उन्होंने हिरण्याक्ष का संहार कर दिया। हिरण्याक्ष की मृत्यु के बाद हिरण्यक्षिपु ने पूरे परिवार को संभाला और उसके बाद ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगा। ब्रह्मा जी ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे उसके द्वारा मांगा गया वरदान दिया, जिसके अनुसार उसकी मृत्यु किसी मनुष्य, पशु, देवता, दैत्य, नाग आदि से न हो, अस्त्र शस्त्र से, पृथ्वी आकाश में कहीं भी उसकी मृत्यु न हो। हिरण्यक्षिपु का विवाह जम्भ नामक दानव की दानवी पुत्री कयाधु से हुआ।
कयाधु और हिरण्यकशिपु के चार पुत्र हुए, जिनका नाम सहलाद, अनुहलाद, हलाद और प्रहलाद था। प्रहलाद सबसे छोटे थे। इसके अलावा उनकी एक पुत्री भी थी जिसका नाम सिन्ही था। उसका विवाह विप्रचित नाम के दानव के साथ हुआ। उन दोनों के घर राहु ने जन्म लिया। जी हाँ, वही राहु जिसने सबको धोखा देकर अमृतपान कर लिया था, जिसके बाद मोहिनी रूप धारण किए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया था। हिरण्यकशिपु की मृत्यु का कारण उसी का सबसे छोटा पुत्र प्रहलाद बना, जो भगवान विष्णु का भक्त था। हिरण्यकशिपु के बार बार समझाने पर भी जब प्रहलाद ने अपनी भक्ति का त्याग न किया तो हिरण्यकशिपु ने उसे मरवाने के बहुत प्रयास किए। इसी प्रयास में एक खंभे से भगवान विष्णु नरसिंह का अवतार लेकर प्रकट हुए और हिरण्यकशिपु का अंत कर दिया। इसके बाद ही त्रेतायुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, या यूं कही कि जय विजय का जन्म रावण और कुंभकर्ण के रूप में हुआ। राजा प्रताप भानु की कथा रामचरितमानस के अनुसार, कैकेय देश में सत्य केतु नमक एक राजा थे। उनके दो पुत्र हुए, बड़े पुत्र का नाम प्रताप भानु और छोटे का अभिमर्दन था। नियम अनुसार राजा सत्य केतु के बाद प्रताप भानु को राजा बनाया गया। प्रताप भानु सारे काम वेदों और शास्त्रों के अनुसार ही करते थे। वे ब्राह्मणों और संतों का विशेष आदर करते थे। उन्होंने सारी पृथ्वी पर विजय पताका फहराकर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। एक बार राजा प्रताप भानु जंगल में शिकार कर रहे थे, तभी अचानक उन्हें एक जंगली सुअर मिला। उसका पीछा करते करते प्रताप भानु जंगल के अंदर पहुंच गए और रास्ता भटक गए। सुअर भी न जाने कहां जाकर छिप गया। वहां उन्हें एक मुनि दिखाई दिए। वो एक कपटी मुनि था। पहले वह एक राज्य का राजा हुआ करता था। एक युद्ध में वह राजा प्रताप भानु के हाथों हार गया था। तब से शर्म के मारे न वह अपने राज्य वापस गया और न ही किसी से संपर्क किया। वह भेष बदल कर वही जंगल में रहने लगा, परंतु इस बात का ज्ञान राजा प्रताप भानु को न था। जब राजा प्रताप भानु उससे मिले तो उस कपटी मुनि ने अपनी बातों से राजा प्रताप भानु का विश्वास जीत लिया। उस मुनि ने राजा प्रताप भानु से कहा कि उसके जीवन में संकट सिर्फ ब्राह्मणों के शाप से ही आ सकता है। इस संसार में ब्राह्मणों के शाप के अतिरिक्त कोई और तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए सभी ब्राह्मणों को निमंत्रण देकर उन्हें भोजन करवाओ। इस प्रकार सभी ब्राह्मण तुम्हारे अधीन हो जाएंगे और तुम्हारे जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। लेकिन ये भोजन मैं बनाऊंगा। आज से 3 दिन बाद मैं तुम्हारे पास आऊंगा और इस घटना के बारे में बताऊंगा, जिससे तुम मुझे पहचान जाओगे। हमारे इस मिलन का तुम किसी से कोई भेद ना खोलना, अन्यथा सब व्यर्थ हो जाएगा। जब उस मुनि से बात कर थका हुआ राजा प्रताप भानु सो गया तो एक राक्षस आया। ये वही राक्षस था जो जंगली सुअर का भेष धारण कर राजा प्रताप भानु को यहाँ लेकर आया था। उस राक्षस का नाम कालकेतु था। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जिन्होंने ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी कर दिया था। उनका संहार भी राजा प्रताप भानु ने ही किया था। अब दोनों मिलकर राजा प्रताप भानु से बदला के लिए एक चक्रव्यूह रचा। सोते हुए राजा को मायावी राक्षस उसके राज्य में छोड़ आया। 3 दिन बाद वही राक्षस कालकेतु पुरोहित का भेष बनाकर राजा प्रताप भानु के पास गया और जंगल की बात याद करवाई। उसके बाद राजा प्रताप भानु ने 1,00,000 ब्राह्मणों को निमंत्रण भेजा। राक्षस ने बहुत सारे व्यंजन बनाए। उसने कई जानवरों के मांस को और ब्राह्मणों के मांस को भी पकाया। जब ब्राह्मण भोजन ग्रहण करने बैठे तभी आकाशवाणी हुई, जिससे सभी ब्राह्मणों को पता चला कि उनके सामने मांस परोसा गया है।
इतना पता चलते ही सभी ब्राह्मणों ने राजा प्रताप भानु को श्राप दिया कि वो आगे जाकर राक्षस बन जाएंगे। इधर उस कपटी मुनि को ये खबर मिलते ही उसने आसपास के सभी राजाओं को एकत्रित किया और राजा प्रताप भानु के राज्य पर आक्रमण कर दिया। फिर जो युद्ध हुआ उसमें सत्यकेतु का सारा वंश समाप्त हो गया। वहीं राजा प्रताप भानु बाद में रावण के रूप में जन्मा और उसका भाई अभिमर्दन कुंभकर्ण के रूप में। राजा प्रताप भानु का मंत्री धर्मरुचि रावण के सौतेले भाई विभीषण के रूप में जन्मा। रावण का इतिहास भाग एक आपको कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में जरूर दें।